इंदौर की सेंट्रल कोतवाली व क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा से लाकर इंदौर में शराब तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में शास्त्री ब्रिज तरफ से होते हुए गुजराती कॉलेज के सामने से तीन व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बलेनो कार में अवैध शराब बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार द्वारा तुरंत एक टीम गठित कर गुजराती कॉलेज के सामने से तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर बलेनो कार के साथ गिरफ्तार किया गया। आज शराब को लेकर एक कार्रवाई की गई है। एक कार है बलेनो रेड कलर की, उसमें 5 पेटी शराब पकड़ी गई है, जिसमें 2 पेटी रेड लेवल की हैं और 3 पेटी 100 पाइपर की हैं। ये थाना कोतवाली और अपराध शाखा की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें अपराध शाखा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिन्होंने थाने पर अवगत कराया कि श्रीगल तरफ से कोई कार आ रही है और उसमें अब मतलब 8 से 10 पेटी शराब की हो सकती हैं, जो हरियाणा से सप्लाई की गई है, जो अन्यत्र कहीं जाके बेचने की सूचना मिली थी। जिसके बाद तत्काल थाना प्रभारी महोदय को सूचना देकर दो टीमें बनाकर शास्त्री ब्रिज के पास तैनात किया गया, जिसमें एक टीम बीजी बार के सामने तैनात की गई और एक टीम गुजराती कॉलेज के सामने तैनात की गई। तो गुजराती कॉलेज की टीम जो वहाँ पर तैनात थी, उसके सामने से जब कार मतलब जो वो कार शास्त्री ब्रिज से आती हुई दिखी तो उसको बैरिकेड लगा के रोका गया। जब कार चालक से पूछताछ की गई तो वो एकदम से शकपका गया कि क्या पूछताछ हो रही है। तो उसके पीछे 2 व्यक्ति और बैठे थे जिनके पास 2 कार्टन थे, तो उनके पास जब कार्टन की पूछताछ की कि कार्टन में क्या है खोल के दिखाइए, तो जब खोल के दिखाया तो उसमें शराब निकली, जिसमें दोनों के पास जो कार्टन थे उनमें 100 पाइपर की एक एक पेटी थी, दोनों में 12-12 बोतल थी। जब उनके पास 12-12 बोतल निकली तो फिर कार चालक से डिग्गी को भी चेक करने को बोला गया। जब डिग्गी को चेक किया गया तो उसमें 3 पेटी और थी। जब उनको खोल के चेक किया गया तो उसमें 2 पेटी रेड लेवल की थी और 1 पेटी 100 पाइपर की निकली। आरोपियों के नाम हैं, जो कार ड्राइवर था उसका नाम है सुखजिंदर पिता कुशाल सिंह, और 2 आरोपी जो पीछे बैठे हुए थे, एक का नाम है सुरेंद्र शर्मा है, पिता चांदकरण शर्मा, ये निवासी हैं गणेश नगर के, और एक है अतुल तिवारी, पिता प्रदीप तिवारी, ये भी निवासी हैं गणेश नगर के। कहाँ देने आ रहे थे, कहाँ से लाए थे, क्या? अभी पूछताछ जारी है। अभी ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।